आइए हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आने वाली SSC सीजीएल एग्जाम को टारगेट कर इस वीडियो में बायोलॉजी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला गया है। इन क्वेश्चंस से आने वाले एग्जाम में आपको काफी फायदा होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक कोशिका के अंदर कई सारी कोशिकांग होती हैं, कई सारी सेल ऑर्गेनिल्स होती हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसे सेल ऑर्गेनिल, एक ऐसे कोशिकांग का नाम जिसका साइज सबसे बड़ी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गल्जीकाय, गुणसूत्र। सही जवाब होगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में इसका अभाव होता है। प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होता है और क्रोमोप्लास्ट कुछ स्पेशल टाइप का कलर प्रदान करता है, जैसे फूलों का पीला होना, फूलों का लाल होना, पत्तियों का ब्लू होना आदि। इस प्रकार प्लास्टिड्स जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसका साइज किसी दूसरे कोशिकांग से बड़ी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का कुबर किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, कंकालीय उत्तक, वाशीय उत्तक, उपास्थि उत्तक, पेशीय उत्तक। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऊंट का जो कुंवर होता है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक काफी प्रसिद्ध एनिमल है और इनका कुंवर जो होता है उसका विशेष काम यही होता है कि भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल को काफी लंबे समय तक शरीर में इकट्ठा करके रखना। इस प्रकार कुबर जो है वह फूड स्टोरेज का काम करता है। तो चूंकि फूड स्टोरेज का काम इन चार ऑप्शंस में से वाशीय उत्तक ही कर सकता है, यानी उसमें वसा जमा रह सकता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वाशीय उत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भूख व प्यास की अनुभूति का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऑप्शन है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम। तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है ये भूख व प्यास की अनुभूति का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा पार्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन सा पार्ट में विटामिन का डाइजेशन होता है। तो जनरली ये क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और उनका जवाब रहता है छोटी आंत, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि पाचन किसका होता है। जिससे हमारे जो भोजन का अवयव है वह है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल, ये सभी हैं। तो पाचन की क्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। और विटामिन, खनिज और जल के केस में पाचन का प्रक्रिया नहीं होता है, इसलिए विटामिन का पाचन नहीं होता है और इसका पाचन का कोई जरूरत नहीं होता है। ये बिना पाचन के ही हमारी छोटी आंत उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? हमें बताना है कि कौन सा वजन का अवयव है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड्स का चयन है। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का संरचना विकास होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हिमोलिम्फ किसमें पाया जाता है? यहां पर एक टर्म दिया हुआ है हिमोलिम्फ, और हमें बताना है कि किसमें हिमोलिम्फ पाया जाता है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, मेंढक, कॉकरोच, स्टारफिश और घास। तो हिमोलिम्फ क्या है सबसे पहले हमें यह समझना होगा। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके शरीर में कुछ लिक्विड टाइप के कुछ बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं जिसको हिमोलिम्फ कहा जाता है। तो ये हिमोलिम्फ कॉकरोच की बॉडी में पाया जाता है। कॉकरोच में हमारे जैसे लाल रंग का ब्लड नहीं होता है, उसमें जो लिक्विड होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड जिस तरह का काम करता है, कॉकरोच के शरीर में हिमोलिम्फ भी वैसे ही कार्य करता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमें स्पेशली अटेंशन देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। हिमोलिम्फ कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का बहाव कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फूड चेन है, खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में। हमें बताना है कि प्रभाव, ये जो प्रवाह है, बहाव है ऊर्जा का, वह कैसे होता है। ऑप्शन है एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, या फिर सभी दिशाओं में होता है। तो एक बात का हमें ख्याल रखना है कि ऊर्जा का बहाव जो है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। इसका बहाव उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस प्रकार ऊर्जा का बहाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है, और वह है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। सही जवाब हो गया एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधों में किसकी कमी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। सबसे पहले हमें जानना है कि कीट भक्षी पौधा क्या होता है। जब आप जाएंगे जंगल में या बगीचों में, तो आपको कुछ ऐसे पौधे मिल जाएंगे जो कीट को पकड़कर उसको अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करता है। तब सवाल है कि इस पौधों को कीट का भक्षण करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। जनरली होता क्या है कि कीट भक्षी पौधा वैसे मिट्टी में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये कीटों को पकड़कर उसको सड़ाकर उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि कीटों के शरीर से नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर वह कीटभच्छी पौधा अपने शरीर में उसका इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार कीटभच्छी पौधा जो है उसके शरीर में हमेशा नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए वह कीटों का भक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती क्या है? इस क्वेश्चन में हमें नाशपाती क्या है ये बताना है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि नाशपाती एक फल है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है कि ये सत्य फल है या असत्य फल है या ड्रॉप फल है या फिर पेपो है। तो सबसे पहली बात कि सत्य फल तो ये नहीं है, ये है असत्य फल। नाशपाती को असत्य फल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप
विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो विज्ञान उसी को फल मानता है जिसका विकास अवरी से हो। तो चूंकि नाशपाती का विकास जो है ये अवरी यानी अंडाशय से न होकर ये थैलेमस यानी पुष्पाशन से इसका विकास होता है, इसलिए नाशपाती को विज्ञान एक फ्रूट नहीं मानता है, इसको फल्स फ्रूट मानता है। नाशपाती के साथ साथ एप्पल जो है जिसको हम अक्सर अपने भोजन में शामिल करते हैं, एप्पल भी एक असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे मसल्स में थकान का कारण क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, मैलिक अम्ल, उपर्युक्त सभी। जनरली ऐसा होता है कि जब हम काफी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो कुछ समय के एक्टिविटीज के बाद हमारे मसल्स में एक प्रकार का थकान होता है जिसके कारण हमें और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये जो थकान होती है इसका कारण क्या है और ये थकान क्यों होती है ये हमें जानना है। क्योंकि हमारा मसल्स जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम इसको काफी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के टाइम मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी को पूरा करने के लिए रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे ब्लड इतनी आवश्यकता को, ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता को पूर्ति करने में असमर्थ होता है, ऐसी स्थिति में हमारे मसल्स क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीश्वसन न करके अनाक्सीश्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसके कारण ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है और इस प्रकार एनर्जी उससे मिलती है। तो पेशी में जो थकान होती है इसका कारण है कि पेशी में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शंस दिया हुआ है गंधक का, क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का। तो जो सी फूड्स होती हैं, समुद्री जो खाद्य पदार्थ होती हैं जैसे समुद्री घास, समुद्री शैवाल या समुद्री मछली, ये आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अगर ग्वाइटर बीमारी हो जाती है, घेघा रोग हो जाती है, तो उसे सी फूड्स यानी समुद्री घास, समुद्री मछली या फिर समुद्री शैवाल का भोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यकृत में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, काइटिन के रूप में। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उस जरूरत से ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वह हमारे लीवर में फ्यूचर के लिए स्टोर होकर रहती हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो ऊर्जा हमारी लीवर में स्टोर होकर रहती है ये किस रूप में रहता है। तो चूंकि हमारे लीवर में ये ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, वहीं अगर आप प्लांट्स यानी पौधों के केसों में देखें तो पौधों में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये स्टार्च के रूप में जमा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी पुष्पीय पौधा कौन सा है। ऑप्शन है वोल्फिया, राफ्लिसिया, लेमसा, एजोला।
तो सबसे छोटी फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पीय पौधा वल्फिया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ का आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। इन चार ऑप्शंस में से ऑक्सीजन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है, क्लोरोफिल का भी है और जल का भी है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की बंधुत्वता का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है O2, CO2, CO, CO, O2, CO2, CO2, CO, O2, O2, CO, CO2। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा अटैचमेंट किस गैस के साथ होती है, उसका सही क्रम हमें बताना है। इसका जवाब है कि हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। इसके बाद का क्रम जो है वह है ऑक्सीजन, और सबसे कम जो अटैचमेंट होती है, सबसे कम जो उसका बॉन्डिंग होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए काफी खतरनाक गैस होती है, क्योंकि जब कभी भी हमारे सांसों के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर एक मजबूत बंधन बनाती हैं, और ये बंधन आसानी से नहीं टूटती है, जिसके कारण अधिकांश हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी का वह इनएक्टिव हो जाती है, और हमारी बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुछ समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में रहने से आदमी की मृत्यु तक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली जलीय पौधा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, वाटर चेस्टनट, वाटर हाइसिंथ, यूट्रिकुलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो वाटर हाइसिंथ जो है ये एक जलीय पौधा है, और ये काफी तेज रफ्तार से इसका विकास होता है। अगर आप वाटर हाइसिंथ का एक पौधा किसी तालाब में डाल दें तो आप बहुत कम ही समय में, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि तालाब पूरा भर गया वाटर हाइसिंथ से। इसलिए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जलीय पौधा के रूप में हम वाटर हाइसिंथ को जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इकोमार्क उन प्रोडक्ट्स पर दिया जाता है जो हमारी एनवायरनमेंट को क्षति नहीं पहुंचाती हैं, हमारे पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपर्युक्त सभी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नई तकनीक है जिसकी
सहायता से हम किसी बच्चों के माता पिता का पहचान कर सकते हैं, किसी बलात्कारी का पहचान कर सकते हैं, किसी अपराधी का पहचान कर सकते हैं। किसी प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डीब्रीज, जोहानसन, मैंडेल, मार्गन। तो सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ने सारिंग्स किसमें आवाज उत्पन्न करने वाले अंग हैं? इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन है उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। तो इन ऑप्शंस में से एक ऐसे ऑप्शन हमें चुनना है जिसमें सारिंग्स पाया जाता है, यानी जिसमें आवाज उत्पन्न होती है वह सारिंग्स होती हैं। इसका सही जवाब है पक्षी। जिस प्रकार हम किसी से बात करते हैं तो हमारी शरीर से जो आवाज निकलती है वह एक विशेष प्रकार के अंग से निकलती है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। उसी प्रकार पक्षियों में जो आवाज निकलती है, जो अंग से यह आवाज निकलती है, उसको सारिंग्स यानी शब्दिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय वैज्ञानिक को पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में डॉक्टर सलीम अली को वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गोरैया। तो सबसे छोटी पक्षी जो है वह है हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त की मौजूदगी के कारण, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रम। तो मूत्र का पीला रंग मूत्र में यूरोक्रम की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावित होता है? ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बीटा कोशिका। तो इंसुलिन हमारे शरीर का एक विशेष हार्मोन है और ये इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है और ये इंसुलिन का स्राव हमारी पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, वायुमंडल से। तो जनरली सभी स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। तो एक आम धारणा ये बनता है कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में रिलीज होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड से होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन जल से रिलीज होती हैं। जल का जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन का रिलीज प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के रूप में होती है।
इस प्रकार इसका सही जवाब होगा कि यह ऑक्सीजन जल से आती है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन है आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो सबसे पहले तो आलू जो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, गाजर ये मॉडिफाइड रूट है, और प्याज जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, और मूंगफली जो है ये फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मूंगफली, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोला स्लेनियस प्रणाली क्या है हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक प्रणाली है, या कृत्रिम प्रणाली है, या द्विपद प्रणाली है, या फिर जाति वृत्तीय प्रणाली है। तो जब कभी भी आप किसी प्लांट्स या एनिमल्स का साइंटिफिक नेम जानना चाहेंगे तो आपको उसमें दो टर्म्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मैंगो को ले सकते हैं, आम। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका। इसमें दो टर्म है, एक है मैंजिफेरा और दूसरा है इंडिका। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम दिया ये कैरोलस लिनियस ने दिया, इसीलिए इस सिस्टम को, इस प्रणाली को द्विपद प्रणाली कहा जाता है। पहला जो टर्म है वह उसकी जीनस को बताता है, और जो दूसरा टर्म है वह उसकी स्पीसीज को बताता है। नेक्स्ट, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था। जब आप बायो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जीव जगत है इसको पांच भागों में बांटा गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाय, चौथा है प्लांटी, और नेक्स्ट है एनिमलिया। तो ये पांच जगत वर्गीकरण जो है ये किसने किया हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है विटेकर, हैकल, लेनियस, कोपलैंड। तो ये पांच जगत वर्गीकरण विटेकर ने किया। तो फ्रेंड्स, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आकर ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।